गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल वाली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे किस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन में रिले होते हैं मैसेजेस उसमें सबसे इम्पॉटेंट रोल होता है साइक्लिक ए का हम जानते हैं कि चाहे लिगेंड हो हॉर्मोन्स हो केमिकल्स हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड रिसेप्टर से जुड़ते हैं और एक ट्रिगर जनरेट करते हैं वो सब कहलाते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स लेकिन रिसेप्टर प्रोटीन से जो जुड़े हुए और केमिकल्स होते हैं और सर्टेन प्रोटीन्स होती हैं वहाँ से प्राइमरी मैसेंजर के ट्रिगर मिलने से सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल्स को आगे ट्रिगर करता है और सेल से रिस्पॉन्स जनरेट कराता है या किसी दूसरी सेल में जाकर के वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट कराता है तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइक्लिक पी बहुत सारे रेस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो जी प्रोटीन मीडिएटेड होते हैं कुछ टायरोसिन इनोसिटॉल मीडिएटेड होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा साइक्लिक एम द्वारा ये रेस्पॉन्ड किए जाते हैं क्या है साइक्लिक ए साइक्लिक एम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सेकेंड मैसेंजर यानी फर्स्ट मैसेंजर तो जो रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं केमिकल से चाहे वो हॉर्मोन्स हो चाहे वो लिगेंड हो कोई भी हो सकता है लेकिन उसके बाद जो डेवलप होता है सेकेंड मैसेंजर वो होता है साइक्लिक पी साइक्लिक पी इज़ मेड फ्रॉम ए टी पी बाई एडिनाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो साइक्लिक एम पी को रिएक्ट कराता है ए टी पी से और वो बना देता है साइकिल एम पी साइक्लेज एन एंजाइम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ये और ये ए टी पी को कन्वर्ट करता है किसमें साइकिलिकम पी में इन रेस्पॉन्स टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जब बाहर से कोई यानी प्राइमरी मैसेंजर का जब सिग्नल सिग्नल आता है तभी ये सब काम होगा देखिए यहाँ पर किस तरह से ये ए टी पी से बन रहा है साइकिल एम पी ये है ए इसमें तीन फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंजाइम है एडीनल साइक्लेज इसने क्या किया है ये दो फॉस्फोरस के ग्रुप्स को रिमूव कर दिया है यहाँ से और ये कन्वर्ट हो गया है साइक्लिक एम में साइक्लिक एम में क्या होता है कि एक ये इस जो फ्योरेनोज फायरिनोज है उसके साथ ये जुड़ जाता है यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉन्ड और ये बन जाता है साइक्लिक ए एम पी इज इट क्लियर फिर फॉस्टफूड से ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है फिर ये एम पी बन जाता है लेकिन हमें काम में लेना है ये साइकलिक एम पी ये किस तरह से अपने काम को अंजाम देगा मैनी सिग्नल मोलिक्यूल्स ट्रिगर्ड फॉर्मेशन ऑफ साइकिलिकम पी बहुत सारे प्राइमरी मैसेंजर या सिग्नल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ट्रिगर करते हैं क्या बनने के लिए साइक्लिक एम पी अदर कंपोनेंट्स ऑफ साइकिलिक एम पी पाथवे आर जी प्रोटीन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स और साइक्लिक एम पी पाथवे है वो जी प्रोटीन के साथ कपल हो के साथ में भी ये काम करते हैं एंड प्रोटीन काइनेजेस के साथ भी काम करते हैं साइक्लिक साइक्लिकी यूजली एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज साइक्लिक ए एम पी है जो किस को एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को ए विच फॉस्फोराइलेट वेरियस अदर प्रोटीन और एक बार जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो ये और जो प्रोटीन्स होती है उन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं यानी फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करा देता है फर्दर रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म इज़ प्रोवाइडेड बाय जी प्रोटीन और आगे का सारा काम है जो कौन कराता है जी प्रोटीन सिस्टम करता है दैट इन ही बीट एडनाइले साइक्लेस और जैसे ही रिस्पॉन्स कम्प्लीट हो जाता है तो साइक्लिक ए बनना बंद हो जाता है तो इस मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं कि जैसे ही प्राइमरी मैसेंजर रिसेप्टर पे आता है वो एक्टिवेट कर देता है साइक्लिक एम को और साइक्लिक एम कपल्ड होता है जी प्रोटीन के साथ यानी जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है और भी बहुत सारी प्रोटीन है यानी कि एक जो एंजाइम है कौन सा प्रोटीन काइनीज़ उसको एक्टिवेट कर देते हैं जिससे बाकी प्रोटीन का भी फॉस्फोराइजेशन हो जाता है और बाकी प्रोटीन्स भी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है यहाँ पूरा मेकेनिज़्म देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट मैसेंजर है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम कर रहा है और एक ये रिसेप्टर प्रोटीन पे जुड़ जाता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं ये देखिएगा यानी कि साइकिलिक्म पी यहाँ पर कपल्ड है इसके साथ जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा और जो एडीनाइल साइक्लेज इसको एक्टिवेट कर देगा एडीनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा ये एंजाइम अब ये एंजाइम क्या बनाता था एटीपी से साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा और साइक्लिक ए क्या कर देगा प्रोटीन काइनेज ए सिंथेसाइज कर देगा और ये सारे जो और प्रोटीन्स होंगी उनमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेगा यानी फॉस्फोराइलेशन मीडिएटेड जो भी रिएक्शंस होंगी उन सबको एक्टिवेट करके सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करा देगा तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मैसेंजर ने सिग्नलिंग किया जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया जी प्रोटीन ने कैडिनाइले साइकिल एंजाइम को एक्टिवेट किया इसने इस साइक्लिक एम को बनाया जिसने सेकेंडरी मैसेंजर का काम किया और साइक्लिक एम है उसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया और इस प्रोटीन काइनेज ने क्या किया जितनी भी और प्रोटीन्स हैं उन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़कर उनसे होने वाली सारी रिएक्शंस को करवाया यानी कि सेल के रेस्पॉन्स को जनरेट करवाया तो ये क्लियर हुआ आपको अब आप देखते हैं कैल्शियम आयन एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट साइक्लिक ए वाला हो गया है कैल्शियम आयन एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक पी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा था कैल्शियम आयन भी इसकी तरह काम करेगा और मैनी पाथवेज जो हैं उनको एक्टिवेट करके रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर बिकॉज सेल कैन रेगुलेट इट्स कंसेंट्रेशन सेल में क्या होता है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन रेगुलेट होती रहती है और कैल्शियम मीडिएटेड रिएक्शन बहुत सारी सेल में होती हैं तो सारी कैल्शियम मीडिएटेड रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा कौन कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पॉन्स आया ये देखिएगा यहाँ पर ये प्राइमरी मैसेंजर आ रहा है प्राइमरी मैसेंजर है जो कैल्शियम पंप को एक्टिवेट करेगा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैमब्रेन माइट्रोकोंडिया के अंदर कैल्शियम पंप को एक्टिवेट कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम पंप को एक्टिवेट कर देगा यानी कि बहुत सारी जो कैल्शियम आयन से होने वाली रिएक्शंस है उन्हें एक्सेलरेट कर देगा और सेल है जो रेस्पॉन्स जनरेट कर देगी ठीक है कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ा के या घटा के सेल को रिस्पॉन्स करवाएगा तो सेकेंड मैसेंजर की तरफ किसने काम किया पहले साइक्लिक एम ने और दूसरी बार अब किसने किया है कैल्शियम आयन ने ये कैल्शियम आयन की संख्या को बढ़ाकर और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं जो कैल्शियम आयन मीडिएटेड होती हैं इज इट क्लियर तो देखिएगा सेकेंड मैसेंजर इन मैनी पाथवे कैल्शियम इज़ एन इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर बिकॉज सेल कैन रेगुलेट इट्स कंसनट्रेशन सेल है जो वो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करती रहती है चाहे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेगुलेट करे चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कंट्रोल करें इनोसीटोल ट्राई फॉस्फेट एंड डी एसी ग्लेसरॉल द पाथवे लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम इन्वॉल्व डी एस एल ग्लिसरॉल डी ए जी डी एस एल ग्लेसरॉल एंड इनोसीटोल ट्राई फॉस्फेट एज सेकेंड मैसेंजर एक ये है ये भी एक सेकेंड मैसेंजर के जरिए काम कर सकता है ये भी ट्रिगर एंड इंक्रीज़ कैल्शियम इन द साइटोसोल अब ये क्या करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कैल्शियम आयन की मात्रा को ही कंट्रोल करके सेल से रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है तो ये सारे के सारे हैं जो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं जबकि हॉर्मोन्स होते हैं या लिगेंड जो होता है वो प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करता है अब आप इस डायग्राम से पूरा कम्युनिकेशन समझ सकते हैं देखिए क्या होता है सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक सेल की मेम्ब्रेन है और ये सेल के सारा अंदर का है साइटोप्लाज्म और ये आउटसाइड द मीडियम है इसमें आप फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू ए रिसेप्टर लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलिपेज सी आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलोलर फ्लूड से सिग्नल मॉलिक्यूल यानी कि फर्स्ट मैसेंजर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये सेटल डाउन जो रिसेप्टर है उसके साथ जुड़ गया और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये रिसेप्टर है ये जुड़ा हुआ होता है जी प्रोटीन के साथ यानी कि ये जी प्रोटीन पे जुड़ा हुआ है अब जैसे ही ये सिग्नलिंग होती है तो जी प्रोटीन पर जी टी पी जी टी पी बिल्कुल इक्वलेंट होती है ए टी पी के उसके साथ ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और फॉस्फोलाइपेज सी यानी कि सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई है फॉस्फोलाइपेज सी क्लीवेज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कॉल्ड पी आई पी टू इंटू डी ए जी एंड आई पी थ्री ये मैंने बताया आपको सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं डी ए जी एंड आई पी थ्री फॉस्फोलपेज सी एंजाइम इसके साथ अटैच हुआ उसके बाद फास्फोलाइपेस सी ने क्या क्या क्लीव किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड से जिससे बना पी आई पी टू यानी ये ब्रेक हुआ और इस एंजाइम की प्रेजेंस में पी आई पी टू और डी ए जी दो ये केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं अब डी ए जी सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करेगा डी ए जी फंक्शन एज सेकेंड मैसेंजर इन अदर वे और किसी भी सेल में ये अपना काम करके वहाँ पर क्या जनरेट करवाएगा रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा यहाँ पी आई पी टू इसने क्या किया ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में आई पी थ्री यानी सेकेंड मैसेंजर बन गया इनोसिटोल फॉस्फेट थ्री सेकेंड मैसेंजर की तरह ये काम करेगा अब आप देखेंगे ये सेकेंड मैसेंजर जब आएगा तो आई पी थ्री मैंने आपको बोला है कि ये भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करके ही रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। आई थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल यानी कि गेटेड करेगा ये कंट्रोल करेगा कैल्शियम आयन के बाहर निकलना और अंदर आना और सेल ऑर्गेनल से भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को घटाना और बढ़ाने का काम करना ये स्टार्ट कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप देखें कैल्शियम आयन को बाहर रिलीज करवा रहा है जिससे कि बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और ये कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं जो हम पढ़ ही चुके हैं तो आप देखिए फोर पॉइंट को आई पी थ्री क्विकली डिफ्यूज थ्रू द साइटोसॉल साइटोसॉल से में आ जाएगा आई पी थ्री एंड बाइंड टू एन आई पी थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल और ये बाइंड हो जाएगा आई पी थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल के साथ इन ई आर बेमरेन पे काजिंग इट टू ओपन और ये चैनल है जो ओपन हो जाएगा कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा और एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से आप देख रहे हैं कि कैल्शियम आयन है जो साइटोप्लाजम में डिफ्यूज़ हो जाएंगी और ये कैल्शियम फिर सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करेंगे और सेकेंड कैल्शियम यहाँ देखें आयन फ्लो आउट ऑफ द ईयर डाउन इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रेजिंग द कैल्शियम लेवल इन साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं और कैल्शियम मीडिएटेड जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी ऑपरेट होने लग जाएगी किससे इस कैल्शियम आयन से वेरियस प्रोटीन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगी और सेल है जो अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी द कैल्शियम आयन एक्टिवेट्स द नेक्स्ट प्रोटीन इन वन और मोर सिग्नल पाथवे तो कुल मिला के आप सिग्नल ट्रांसडक्शन में आप देख रहे हैं क्या कि ये बहुत सारी मैकेनिज़्म हैं जिनसे सेल है जो सिग्नलिंग करती है और सेल को रिस्पॉन्स कराती है अब कैसे सेल रिस्पॉन्स करेगी सेल सिग्नलिंग लीड्स टू साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ भाई सीधी बात है कि जब सेल साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगी यानी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी उसको ही हम कहते हैं रिस्पॉन्स यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देगी तो साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिस्पॉन्स अल्टीमेटली ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे लीड टू रेगुलेशन ऑफ वन और मोर सेलुलर एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि सेल है जो अपनी एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना जब स्टार्ट कर देगी तो उसे हम क्या कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन द रेस्पॉन्स में अकर इन साइटोप्लाज्म और मैं इन्वॉल्व एक्शन इन द न्यूक्लियस, यानी कि रेस्पॉन्स है जो साइटोप्लाज्म में भी जनरेट हो सकता है और न्यूक्लियस में भी जनरेट हो सकता है मैनी पाथवे रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और बहुत से पाथवे रेगुलेट करते हैं एनजाइम्स के द्वारा यानी कि जो भी रेगुलेशन होता है ये सारे एजाइम्स के थ्रू होता है और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम होता है सेकेंड मैसेंजर का साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स कैसे जनरेट हो रहा है आप देख रहे हैं वही प्राइमरी मैसेंजर आएगा रिसेप्शन होगा बाइंडिंग जैसे एपिनेफ्रीन टू जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर पे जुड़ेगा बाद में जो इनएक्टिव जी प्रोटीन है वो एक्टिव जी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी फिर इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिव एडिनाइल साइक्लेज बना देगा ये अडनाइल साइक्लेज है जो ए से साइक्लिक एम बनाएगा साइक्लिक ए क्या करेगा इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए में बदल देगा जो एक्टिव इन इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज है जो एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में बदलेगा और इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसको एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में कन्वर्ट कर देगा और रिस्पॉन्स क्या होगा कि ग्लू ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होकर के ग्लूकोज वन फॉस्फेट के बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर देगा तो ये एम्प्लीफाई भी होता जा रहा है इज इट क्लियर अदर पाथवे हैं न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के अरे यार। ये हमारा हो चुका है रिस्पॉन्स का अदर पाथवे न्यूक्लियर रिस्पांस मैनी सिग्नलिंग पाथवेर रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम और अदर प्रोटीन यूजअली बाई टर्निंग जीन ऑन और ऑफ़ इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है कि ये जीन को ऑन और ऑफ़ करते हैं वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करवाएंगे तो ये देखिएगा न्यूक्लियस की मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से जैसे ग्रोथ फैक्टर है वो बाहर ये आया रिसेप्टर पे बाइंड हुआ रिसेप्टर से सिग्नल जनरेट हुआ और ये फॉस्फोराइलेशन कैसकेड हुआ फास्फोराइलेशन प्रोसेस से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना इसने एक सर्टेन जीन को सर्च किया और सर्टेन जीन से एम आर सिंथेसिस करके प्रोटीन बनवाया तो ये क्या हुआ न्यूक्लियस के थ्रू होने वाला सिग्नल ट्रांसडक्शन है सिग्नलिंग एफिशियंसी इसके फोल्डिंग प्रोटीन एंड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स इसके फोल्डिंग प्रोटीन आर लार्ज रिले प्रोटीन्स होती हैं टू विच अदर रिले प्रोटीन आर अटैच्ड यानी बहुत रिले प्रोटीन होती है और उन पर दूसरी और प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती है इसके फोल्डिंग प्रोटीन कैन इंक्रीज द सिग्नल ट्रांसडक्शन एफिशियंसी बाई ग्रुपिंग टुगेदर डिफरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द सेम पाथवे यानी कि इसके फोल्डिंग प्रोटीन क्या कर देती है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है इसके साथ और सारी चीज़ें जुड़ने की वजह से सेम पाथवे के प्रोसेस को फॉलो करते हैं इन सम केसेस इसके फोल्डिंग प्रोटीन में आल्सो हेल्प एक्टिवेट सम ऑफ़ द रिले प्रोटीन और क्या कर सकती है कुछ केसेस में तो ये प्रोटीन और जो रिले प्रोटीन है उनकी भी सिग्नलिंग को बढ़ा देती है ये देखिएगा यहाँ पर जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा रिसेप्टर पे रिसेप्टर से ये एक इसके फोल्डिंग प्रोटीन है इसके साथ और थ्री काइंड ऑफ प्रोटीन्स भी जुड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि ये सारी प्रोटीन को एक साथ एक्टिवेट करके सिग्नलिंग करा दिया जाता है तो इसके फोल्डिंग प्रोटीन भी अपना काम करती है टर्मिनेशन ऑफ द सिग्नल्स सिग्नल रेस्पॉन्स इज टर्मिनेटेड क्विकली बाई रिवर्सल ऑफ लिगैंड बाइंडिंग जैसे लिगैंड जो जुड़ा हुआ है प्राइमरी जो मैसेंजर जुड़ा हुआ है वो जब डिटैच हो जाएगा इनएक्टिवेशन में तो क्या होगा रुक जाएगा सारा सिग्नलिंग इनएक्टिवेशन मैकेनिज्म आर एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग और इनएक्टिवेशन मैकेनिज्म भी काम करती है जब बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू भी फर्स्ट स्टेप के एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाता है अनबाउंड रिसेप्टर रिवर्ट टू एन इनएक्टिव स्टेट और जैसे ही रिसेप्टर से अनबाइंड होगा प्राइमरी मैसेंजर तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है जो रिवर्ट हो जाएगी आप देख सकते हैं ये सिग्नलिंग का पूरा प्रोसेस था ये रिले मॉलिक्यूल हुआ और ये एक्टिवेशन ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्स यहाँ पर हो गया था और ये जो आपको हमने पढ़ाया ये पूरा रेफरेंस लिया गया था कहाँ से बायोलॉजी सेवन्थ एडिशन था नील एंड कैम्बेल एंड जीन रीसी बुक से मैकेनिज़्म ऑफ सेल कम्युनिकेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजन ये वगैरह से लेकर के ये बनाया गया था तो ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इसको पढ़िएगा थैंक यू